हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा गुप्ता व्लॉग। तो आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अब से मेरे चैनल पे डेली व्लॉग आने वाले हैं और मज़ेदार वीडियो आने वाली है, चैलेंजेस भी आने वाले हैं। तो ये व्लॉग ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना। तो मैं आपको एक बार बता दूँ कि मेरे व्लॉग इसलिए लेट आ रहे थे, आप पूछ रहे हो बार बार, पूछोगे बार बार कि भाई व्लॉग आते नहीं है, चैनल बना लिया है, बहुत कुछ बोल रहे हैं लोग। मैं ये बता दूँ, ये इसलिए हो रहा है वो क्योंकि मैं हूँ 10th क्लास में, मेरे पेपर चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरे अभी 27 फरवरी में प्री बोर्ड 1 थे, तो वो मैंने अब ख़त्म कर दिए वो देखे। अब मेरे 27 मार्च से प्री बोर्ड 2nd थे, लेकिन एक खुशखबरी की बात है, बहुत जो प्री बोर्ड 2nd थे वो कैंसिल हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आया है। वो आया है वो 1 अप्रैल से फिर से प्री बोर्ड 2nd, लेकिन वो हमारे ऑफलाइन हो रहे हैं, ऐसे ही आप तो पता ही हो गया। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, हमारे 6 मई से वो 6 मई से बोर्ड है, फाइनल बोर्ड है, तो उसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो वीडियो नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक दिन में व्लॉग बना लेगा रे, डेली व्लॉग बना लेगा रे, स्टार्ट कर रहे जब भी चैनल चलेगा सही। और मेरे जो वीडियो नहीं आ पाते, तो आप पहले वीडियो देख सकते हो, मेरे चैलेंजेस भी मैंने बनाया है, व्लॉग भी मैंने बनाया है, मैं जाता रहता हूँ घूमने। तो मैं आपको एक बार बता दूँ, मैंने व्लॉग तो बहुत बना रखी है, लेकिन मेरे से एडिट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो व्लॉग लंबे बन रहे हैं, पार्ट 2 में जा रहे हैं, दो दो पार्ट बन रहे हैं उनके, तो मैं एडिटिंग चल रही है उनकी, मैं पढ़ता भी हूँ और एडिटिंग भी चल रही है, सब काम करने होते हैं, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन वो जल्दी आ रही है, अभी होली भी आ रही है, तो होली के भी व्लॉग बनाने हैं। तो अब से और मेरे चैनल पे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहती है, आपको ऐसे ये पता ही है, मैं अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूँ। मैं आपको एक आज से वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, वो चीज़ है एटीएम मशीन। मेरी बहन गई थी कहीं से, वो आई थी एटीएम मशीन, वो मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि मैंने जल्दी जल्दीबाजी में उसका डिब्बा फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया था। तो मेरे मन में आ जाया कि वो बहुत अच्छी चीज़ है, सब बोल रहे थे फैमिली में कैसे वीडियो बना, मज़ेदार है। तो वो हमारी छोटी सी एटीएम मशीन है, मनी बैंक जिसे बोलते हैं, जैसे एटीएम में पैसे डालते हैं वैसे पैसे डालते हैं। मेरा हाथ दर्द हो गया फ़ोन पकड़ पकड़ के, तो उसमें पैसे भी डालते हैं, चिल्लर विल्लर सब डालती है, सिक्के कोइन पैसे और नोट भी सब डालते हैं, तो उसमें बाहर भी आते हैं, तो उसमें पासवर्ड भी डालते हैं, सब चीज़ होता है। एटीएम लोग बंद भी करते हैं, खोलते भी है, पासवर्ड बदलते भी है। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूँ, मैं अभी बज रहे हैं 2:30, 2:30 होने वाले हैं, 2:30, और तो मैं 3:30 बजे ट्यूशन जाना होता है, 5:30 बजे का मैं 5:30 बजे सीधा घर पे आ जाता हूँ, 5 बजे छुट्टी होती है, तो मेरे ट्यूशन थोड़ा दूर है, 15 मिनट जाने में लगते हैं, 3rd फ्लोर पे है तो 5 मिनट चढ़ने ही लगते हैं, वैसे ही मैं आलसी हूँ तो मुझे जाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। मैं 3:30 बजे जब 5-10 मिनट पहले ट्यूशन में चला जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, फिर 3:30 बजे बच्चे आना शुरू करते हैं। लेकिन मैं भी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, एटीएम मशीन के बारे में दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ना मैं चाहूँ तो अभी दिखा सकता हूँ, लेकिन और हमारे घर में लाइट भी नहीं आ रही है, तो मैं चलो आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं भी आपको दिखा नहीं रहा, वीडियो का पूरा सस्पेंस बेकार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं भी ट्यूशन के लिए भी लेट हो रहा हूँ, मुझे ट्यूशन के लिए थोड़ा पढ़ना भी है, खाना वाना भी खाने हैं, फल फ्रूट भी खाने हैं। तो चलो मैं आपको अभी फल फ्रूट खा लेता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ, फल फ्रूट है नहीं है, देखते हैं, काटने पड़े थे वैसे तो डेली काटती है मम्मी। फल फ्रूट्स तो रखे हैं, कटे हुए पहले से ही होते हैं हमारे घर में, तो देख सकते हो आप, तो खाता हूँ। चलो मैं खाने के बाद फिर मिलता हूँ आपसे, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार बनने वाली है। चलो मैं चलता हूँ, खाने के बाद मिलता हूँ, थोड़ी डाइट ले लूँ अपनी। मेरी पहले ये वीडियो देख ले करो, टेंशन मत ले, पहले ये वीडियो चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग बना रखे हैं, मज़ेदार बना रखे हैं, जो आ रहे हैं ये भी बहुत मज़ेदार है। अभी मेरे पेपर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पेपर में ध्यान है मेरा, पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान है, तो लोग भी आते रहे, टेंशन की बात कोई नहीं है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी। लेकिन क्या बताए, अभी कोरोना भी चल रहा है ना, कोरोना महामारी के चक्कर में। चलो मैं आपको 3 बजे या 3:15 बजे मिलता हूँ अपने ट्यूशन के टाइम पे, जब तक थोड़ा पढ़ लेता हूँ, 1/2 आवर बचा है, 1/2 आवर पढ़ लेता हूँ, 3 बजे या 3:05-10 बजे मैं अपने ट्यूशन जाने वाला हूँ, जाऊँगा तो आपको जब मिलता हूँ। चलो मैं चलता हूँ, वीडियो लास्ट तक जुड़े रहना, और जो मेरे चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर ही लेना, मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत बढ़िया आने वाली है, तो दिल से भी बहुत अच्छा लगता है, दिल से पूछो ये सब्सक्राइब बढ़ता है, तो 1 सब्सक्राइबर की वैल्यू मेरे लिए बहुत है। चलो मैं चलता हूँ।
चलो मैं ट्यूशन के लिए निकल चुका हूँ, बैग के लिए 3:17 हो रहा है, मम्मी थोड़ा लेट आई, थोड़ा ट्यूशन चलते हैं, तो ये मेरी गली है ना, थोड़ा लेट हो गया हूँ ट्यूशन के लिए निकल पड़े हैं, चलो ट्यूशन चलते हैं, चलो मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ ट्यूशन के लिए, जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। ये रहा ट्यूशन, ट्यूशन में वहाँ देखे एंट्री, कोई नहीं है, टेंथ चैप्टर साइंस में लाइट। तो मैं ट्यूशन से आ गया था, 6 बजे आया था, ट्यूशन की लेट छुट्टी हुई थी, तो मैंने खाना भी खा लिया है, रोटी और आलू की सब्जी। हाँ, अब मैं पी रहा हूँ बनाना से, तो बनाना से पीने के बाद फिर दिखाते हैं आपको, सही मज़े दिलाते हैं एटीएम मशीन के साथ। दोस्तों जुड़े रहना इस वीडियो में लास्ट तक। बनाना शेक पीते हैं, फुल डाइट पे चल रहे हैं, फुल मोटा होना चाहता हूँ मैं थोड़ा, तो लोग बनाना शेक पीने के बाद मिलते हैं। तो मैंने खा पी भी लिया बनाना से, तो अब बज रहे हैं कम से कम 7 बजने वाले हैं, मेरा पूजा करने का टाइम भी हो रहा है, और मैं इस टाइम बालकनी पर खड़ा हूँ अपने, तो अब 7 बजने वाले हैं, और पापा भी आने वाले हैं, भाई भी आने वाला है, सामने वाली दीदी मतलब लड़की है, वो दीदी है बढ़िया, देख क्या सरी है, ये क्या बना रहा है, हाँ भाई जेंटलमैन, फुल लाइट पड़ रही है, तो चलो अब पूजा करने वाला है, 7 बजने वाला है। तो अरे भाई आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है 8 सेकेंड में, आप वीडियो लाइक कर लेना, ऐसी कोई चीज़ आए मेरा मीडियम में, अब लाता हूँ, ये है मैजिक, ये है एटीएम मशीन, एटीएम बैंक देख सकते हो आप, ये डोरीमोन वाला लाया हूँ मैं, मेरी सिस्टर मतलब, ये लेना साफ साफ एटीएम बैंक और इलेक्ट्रिक लॉक, ये वाला डोरीमोन, तो आप देख सकते हो ये हमारा लॉक है, ये पास वाला है, और ये जो देख रहे हो कौन सा अंदर है, यहाँ से अंदर नोट जाता है, पूरे एटीएम मशीन में दे फूल अंदर सही जाते हैं, ज़बरदस्त है, चलो आपको उसके बारे में बता दें, इससे पासवर्ड भी बदल जाते हैं, और अपनी मर्जी से जो भी पासवर्ड डाल सकता है, लेकिन मेरी बहन ने लगाया था, मेरे को पासवर्ड बदलना नहीं आता, मैं अपने एटीएम बैंक का पासवर्ड बता सकता हूँ, देखो मेरा पासवर्ड ये है 1312, ये आवाज़ आई खुल जाएगी, मतलब इसका इसे यूँ करो, देख सकते हो आगे ढक्कन हटाया, ये है इससे नीचे, ये है इसे राज, ये पैसे हैं, ये इतने ही पैसे जमा हो पाए क्योंकि अभी नहीं है और हो जाएगी, तो ये यूँ है, तो आप देख ही रहे, ये है पैसे सारे, तो उल्टी तो जैसे कि अब ये 20 का नोट है, ये बंद करते हैं, ये 20 का नोट है, नया नोट देख सकते हो आप, अब ये वो मैजिक, ये नोट है, ये देखते हैं पास कर देते हैं थोड़ा, ये देखो मैजिक आवाज़ आ रही है, ये अंदर गया, अब खोलो सिक्के, यहाँ से डरते हैं सिक्के हैं नहीं मेरे पे, यहाँ सिक्के नहीं आता, अब देखो वो नोट अंदर हो रहा, पासवर्ड डालते हैं, अब जो बोलते हैं वो नोट, ये रहा वो नोट, अब चलो कोई सब नोट डल जाता है, देखो अब ये 50 का डालते हैं, 100 का है, 100 का भी है, कोई से भी डल, दो नोट भी एक साथ जा सकते हैं, उसी तरह हमारी बात नहीं है, पूरे एटीएम मशीन है हमारी, ये अंदर कितनी बढ़िया मशीन है देख सकते हो आप, वो नोट ब्लू से आ रहे हैं, ये मैजिक है, ये पकड़ने है, और हम पासवर्ड भी बदल सकते हैं, और इसमें सेल भी डलते हैं, बस देखते हैं सेल जहाँ डलते हैं, इतना तो मुझे भी नहीं पता, सेल यहाँ पर डलते हैं, सेल से जो ये डोरीमोन बनाया डिजाइन सा, तो ये आपको मेरे हिसाब से अच्छी लग रही हुई थी, और बहुत मज़ा भी आने वाला है, तो क्या ही बोलूँ मैं, तो ये बहुत अच्छी है, आपको देख के आपको भी मना कर रहा नाने का, मैं इतना बड़ा हो गया मेरा उनका, तो ये मेरा आशा व्लॉग में सबसे बढ़िया चीज़ थी, और मेरे व्लॉग अच्छे ही होते हैं कि ये नई चीज़ दिखाने को मिली अपने व्लॉग में, और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग लाने वाला हूँ, आइडियाज़ दो, व्लॉग अच्छा रहे, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिखना यस, और बिगाड़ लगे तो नो, प्लीज़ सपोर्ट करो, थोड़ा वीडियो लाइक करो, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, एज ए यूट्यूब फैमिली मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे,
कि मेरी वीडियो लाइक करो सर। जो भाई बहन, मम्मी पापा, दादी दादा, चाचा चाची, नाना नानी सब देख रहे हो, वो मेरी वीडियो लाइक करो, कमेंट करो। अब मेरे चलने का टाइम हो गया है। कल जो अपने डेली रूटीन में व्लॉग आने वाला है वो भी बढ़िया आने वाला है। कल जा देखते हैं, कल मेरे को कहीं जाना भी ऐसा ऐसे नहीं गया तो व्लॉग आएगा, बढ़िया आएगा। क्या ही बताऊँ, लाजवाब आ रहा है ये व्लॉग तो, हो रहा ही लाजवाब। तो मैं इसे आज डाल दूँगा और आप बता दें कैसी है, ये अच्छी है तो मैं बताऊँ। और मैं एक मेन बात बता दूँ, मैं इसे प्राइस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी गिफ्ट में मिली है तो प्राइस नहीं बता। आप कमेंट करके बताओ उसे प्राइस इतने हो सकते हैं, फिर मैं अपनी सिस्टर से पूछ सकती हूँ, वीडियो में बताऊँगा। पहले आप कमेंट में बताओ उसे प्राइस आपके हिसाब से कितने हो सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बढ़िया लगी, देख सकते हो आप। मैं खुश भी बहुत हूँ और प्राइस पता नहीं कितना हो रहा, आप अंदाज़ा लगा रहा, मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा पा रहा हूँ। देख सकते हो फुल एडी है भाई, हैशटैग सब है। पासवर्ड बदलने का भी हो रहा कुछ उसमें, तो वो मेरे को पता नहीं है। मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता, महंगी चीज़ है क्या पता, गिफ्ट में मिली है। और पहले वाले भी लोग देख लो आके, जिसने नहीं देखे चैलेंज देख लो, अच्छे अच्छे चैलेंज बना रखे हैं। तो चलो इसे साइड में रखते हैं। तो और अब क्या ही बोलूँ, चलो अब मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो मैं चलता हूँ।